Good morning, guys. So we are at near Parimal Garden, which is one of the hangouts and a big khane pini market of Ahmedabad. And we are here for morning breakfast. अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का बात करते हैं तो लोगों के मन में क्या आता है इंडियन ब्रेकफास्ट का अगर करते हैं बात तो लोगों के मन में पोहा आता है, इडली डोसा आता है, पूरी सब्जी आता है. बट वी आर हियर टू चेक आउट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट टुडे. इट इज़ नोन एज दाल पकवान. दाल पकवान, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन ब्रेकफास्ट, इट्स नॉट अ रियली यू नो सो पॉपुलर एज द अदर नेम्स दैट आई सेड. A lot of people relish dal pakwan as a breakfast item, and we are here to check it out. So dekhte hain hum log kis tarah se banate hain dal pakwan. Guys, you have seen the process of making, I mean how he has made it. Now the dish is here, and जो सिंधी जो खाते हैं normally वो पूरी अलग से होती है और यहाँ पे इन्होंने पूरा वो पूरी का चूरा करके he has mixed it, and let us taste it how it tastes. वेरी क्रंची. ये सेब जो है वो हर एक में डलती है आजकल और इसमें भी डाली है उन्होंने टू मेक इट मोर टेस्टी. नाउ फॉर दी अनइनिशिएटेड, सेब इज बेसिकली मेड फ्रॉम चिकपी फ्लावर. ओके, चने का आटा बेसिकली के ऊपर से डालते हैं टू मेक इट मोर स्पाइसी. सो हियर इट इज. Really crunchy. There's an explosion of sweet and sour, and all the tastes are there. Nice, loved it. So guys, I have finished the dal pakwan. It was really yummy. And now gugra. Gugra is basically a dish from Saurashtra, and this is basically a small puri-like thing, and it is stuffed with. इसमें आलू होता है. इसमें आमचूर का पाउडर होता है. And it is various other spices are there stuff. So let us tell him to make it. भैया बनाइए आप. तो this is how it looks. There's stuffing inside. So it is stuffed with aloo and amchur powder and various spices and all that stuff. अलग क्या है इसमें? सर आता है तो पीनट आता है और कैप्सिकम आता है. ये वाली चटनी तो आपने उसमें भी यूज़ की थी. हाँ, ये वो वाली चटनी. ये अलग चटनी है, स्पेशल है. ऐसी स्पेशल चटनी है. ओके, इसमें भी सेव आती है. तो गाइस, दिस इज़ आल्सो गार्निश्ड विद सेव एंड ऑनियन.
So this is the dish of gogra. I like the shape of the gogra actually. वो जो गोगरा का शेप है वो अच्छा लगा था, तो वो एक्चुअली पूरा पूरा नहीं नहीं खा सकते था, समोसा टाइप खा नहीं सकते पूरा, वो आप खाओगे तो गिरेगा, स्टफिंग स्टफिंग गिरेगा, खाने में नहीं पाएगा। आप चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हैं। हैव स्पून गोगरा भी मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी खाया हो ऐसा। Let me try gogra. Because of the aloo stuffing inside, it tastes a little bit like samosa, but a little bit, not more. Sour, sweet. It has got all the taste of the chutneys inside. Tastes really nice. Really nice.